तो आज मैं आपके साथ एक मखसूस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और ये मखसूस मौजू जो है, ये हमारे जो एहतियाती तदाबीर जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, उनमें खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी उनको कहते हैं, उनका हमने खास तौर पे क्यों ख्याल रखना है इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक के दौरान, और कैसे ख्याल रखना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पांच चीजें हैं जी इस वक्त के जिनके ऊपर हमारा जोर है इस हवाले से कि हमने इस बीमारी से कैसे बचना है, इनफरादी सतह पे और फैमिली की सतह पे और कम्युनिटी की सतह पे। सबसे पहले वो पांच चीजें क्या हैं, मैं आपको यूं समझाऊंगा कि एक हाथ की अगर पांच उंगलियां हैं तो वो पांच चीजें क्या हैं हमें करने के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मास्क को लाजमी करार दे दिया हुआ है तमाम पुरहुजूम जगहों के ऊपर, दुकानदारी दुकानों के अंदर, कारखानों के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, मस्जिद के अंदर, जहां भी लोगों की गहमा गहमी हो, लोगों का आपस में मेल जोल ज्यादा हो, तो वहां पे हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है, चाहे वो किसी तरह का मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो कपड़े का घर का बना हुआ मास्क हो, लेकिन सबने मास्क पहनना। दूसरी जो हम एहतियात बताते हैं आपको, वो है कि जब भी आप एक किसी पुरहुजूम जगह पे हूं या ज्यादा लोगों के दरमियान हूं, तो लोगों से कम से कम 2 मीटर का फासला अपनाएं, यानी कम से कम 6 फुट या 2 मीटर का फासला अपने और दूसरे लोगों के दरमियान रखने की कोशिश करें। और अगर आप के करीब लोग आना चाहें तो आप इस बात की एहतियात करें कि आप वो फासला कायम रखें। इसीलिए गले मिलना, हाथ मिलाना और एक दूसरे को यानी टच करना, ये चीजें जो हैं इनकी ममानियत हमने कही हुई है। इसी को हम फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो ये दूसरी चीज, तो मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग। तीसरी चीज के हाथों का बार बार धोना, यानी अपनी सफाई रखना और खास तौर पे अपने हाथों की सफाई रखना, और उसे मखसूस तरीके से 20 सेकंड तक मल के दोनों हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर से अपने साफ रखना, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता कि हमारे हाथ किन किन जगहों पे लगते हैं, और फिर वही हाथ जो हैं हम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं और उससे बीमारी के फैलाव, वायरस का जो फैलाव है वो उसका इम्कान ज्यादा हो जाता है। चौथी चीज जिसका मैं आज जरा तफसीलन जिक्र करूंगा, वो है कि वो ये है कि हमने कैसे अपने जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे मुअम्मर लोग हैं, उनको कैसे बचाना है और उनकी कैसे निगहदाश्त करनी है। और आखिरी चीज ये है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार शख्स है, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, अगर कोई शख्स पहले से बीमार है तो उसका इस बीमारी को उस शख्स का इस बीमारी का हो जाना, उस शख्स को उसका इम्कान आम नॉर्मल हेल्दी शख्स से ज्यादा है। तो इसलिए ये पांच चीजें जो हैं इनका हमने खसूसी तौर पे ख्याल रखना है, मास्क, फासला, हाथों का धोना, बुजुर्गों की हिफाजत और बीमारों की हिफाजत, ये पांच चीजें। तो आज मैं खास तौर पे आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि हमने अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कैसे ख्याल रखना है, और खास तौर पे अगर वो उन बुजुर्गों को कोई पहले से तो अगर कोई बीमारी हो तो फिर क्यों ये इवन मजीद जरूरी हो जाता है। अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। अब तक का जो हमारा डेटा है, पाकिस्तान में लोगों को
को कोरोना वायरस होने के हवाले से भी और कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हो रही हैं उनके हवाले से भी। तो अर्ज यह जी कि अब तक अगर 3,500 के करीब लोग पाकिस्तान में वफात पा चुके हैं कोरोना वायरस के हवाले के वजह से, इनमें से तकरीबन 72% जो फौत हुए लोग उनकी उम्र 50 बरस से ज्यादा की थी। मैं दोबारा दोहराता हूं कि 3,500 जो लोग फौत हुए उनमें से 72% जो फौत हुए उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। ये तकरीबन 3/4 बनता है, या दूसरे लफ्जों में अगर 3,500 लोग फौत हुए तो उनमें से तकरीबन 2,500 लोग जो थे उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। ये बात करने का ये मतलब नहीं है कि ये यंगर लोगों को नहीं हो सकता या नौजवान लोगों को नहीं हो सकता, लेकिन इसका इम्कान जो है वो बुजुर्ग लोगों में होने का ज्यादा है। दूसरी जो हमें बात समझ में आई अब तक अपने अदाद व शुमार से वो ये है कि जो लोग फौत हुए उनमें तकरीबन इतनी ही तादाद, यानी कि तकरीबन 70-75% के दरमियान वो ऐसे लोग थे कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। और जाहिर है कि चूंकि बुजुर्ग जो हैं या जो एल्डरली लोग हैं वो ज्यादा उनकी वफात हुई तो उन्हीं में दूसरी बीमारियां भी पहले से मौजूद थी। मैं आगे चल के इसका जिक्र करूंगा कि किन बीमारियों का हम के बारे में खास तौर पे हमें नजर आया है कि जिनकी मौजूदगी पाई गई। अच्छा, तो अगर ये सूरत हाल है तो ये अदाद शुमार आपके साथ आप शेयर करने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि ये एक बड़ा मसला है, यानी अगर तकरीबन 3/4 वफात जो हैं वो बुजुर्गों में और बीमार लोगों में हो रही हैं तो ये एक बहुत बढ़िया इशू है और इसको इसके ऊपर तवज्जो की जरूरत है और इसके बारे में एक हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हवाले से वफाकी वजारत सेहत ने बुजुर्ग लोगों के लिए या जो मुअम्मर लोग हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास गाइडलाइंस डेवलप की हैं कि उनकी बचाव और उनका ख्याल हमने कैसे रखना है कोरोना वायरस के जमाने में। ये गाइडलाइंस जो हैं ये हमारी covid.gov.pk की जो वेबसाइट है वहां पे ये अवेलेबल है। इन्हीं गाइडलाइंस में इस चीज का भी जिक्र है कि अगर पहले से कोई बीमारी मौजूद हो या कोई बीमार शख्स हो पहले से COVID-19 की वजह से नहीं किसी और बीमारी की वजह से तो उनका खसूसी तौर पे कैसे ख्याल रखें। अब मैं आपको 4-5 चीजें ये बताना चाहता हूं कि जो उन्हीं गाइडलाइंस से में दर्ज हैं कि ये हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बात तो ये है कि अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में कोई बुजुर्ग हैं जो कि या यूं कह लें कि जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है और ये इसका इम्कान चूंकि उम्र जैसे जैसे 50 साल के बाद ज्यादा होती है तो ये इम्कान ज्यादा है, तो इसलिए 60 साल 70 साल 80 साल और उससे अबव के जो लोग हैं उनका तो खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें अपने बुजुर्गों को ये बताना चाहिए कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर आम हालात में अख्तियार करनी चाहिए। तो मतलब ये कि उनको भी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल, जो फिजिकल डिस्टेंस है दूसरे लोगों से उसका ख्याल, और खास तौर पे उनको मास्क पहनना चाहिए। तमाम बुजुर्गों को मास्क पहनना चाहिए, वो घरों में हों या घरों से बाहर हों उनको मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। और अलबत्ता एक्चुअली कोशिश ये करनी चाहिए
کہ ان کا کم سے کم میل جول ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ. گھروں میں بھی اگر وہ ہوں تو جتنا ممکن ہو وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں, ماسک پہنیں, اپنی صفائی کا خیال رکھیں, اور اگر ضرورت پڑی جائے باہر جانے کی تو پھر وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو پریکٹس کرنا ضروری ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ٹریول اگر کرنا ہی ہو تو کوشش کرنی چاہیے جہاں ممکن ہو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہ کریں, اور پرہجوم جگہوں پہ تو بالکل ان کو جانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اب اگر کوئی بزرگ ہیں اور ان کو کوئی پہلے سے بیماری بھی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی بیماریاں ہم نے زیادہ مشاہدہ کی ہیں جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں ان کے اندر, جن کو کے بعد میں کرونا وائرس بھی ہوا. تو دو تین چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. میجورٹی جو ہے بزرگوں کی, ان میں دیکھا گیا کہ ان کو یا بلڈ پریشر تھا یا دل کا عارضہ تھا, دل کے مختلف امراض, یا ان کو ذیابیطس تھی یا ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں, شوگر جسے کہتے ہیں. بڑی تعداد بزرگوں میں جو دیکھی گئی بیماریوں کی, بلڈ پریشر, ذیابیطس یا دل کے عارضے. اس کے علاوہ بھی بیماریاں, کینسرز ہو سکتے ہیں, مختلف سانس کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں, دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ بھی ہم نے دیکھیں, کڈنیز کے پرابلمس بھی دیکھے. لیکن زیادہ تر ہمیں بلڈ پریشر اور شوگر, یہ دو جو مرض ہیں یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھے. اچھا, اگر پہلے سے یہ بیماری ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ اگر خدا نخواستہ ایسے بزرگوں کو یہ بیماریاں ہیں, تو ایک تو ان کا جو عام ان بیماریوں کا علاج معالجہ ہے وہ بڑی بڑے یعنی احتیاط سے اور غور و فکر سے وقت پہ ان کو دوائی ملنی چاہیے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب مطلب باہر آنا جانا اگر اس پہ پابندی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو اپنی جو موجودہ بیماریاں ہیں ان کی دوائیاں میسر نہ ہوں, تو ان کے علاج معالجے کا خصوصی خیال رکھنا. دوسرے یہ کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کھانسی یا بخار یا ان کو سانس لینے میں تکلیف ڈیولپ ہو جائے, تو پھر فوری طور پہ ان کے لیے ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے گھر میں, اور جو گھر کے افراد ان کی دیکھ بھال پہ معمور ہوں ان کا اپنا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں خاص طور پہ ایسے لوگ ان کو ان کی دیکھ بھال پہ معمور ہوں جو خود ہیلدی ہیں. دوسرے, وہ جہاں ہیں ان کے کمروں میں یا ان کے ارد گرد جو اشیاء ہیں ان کی خاص طور پہ بار بار صفائی ضروری ہے. میز ہے, دروازے کا ہینڈل ہے, باتھ رومز ہیں, ان کے ڈسٹ بنز ہیں, ان میں خاص طور پہ ان ساری چیزوں کی بار بار صفائی ضروری ہے. اور پھر یہ آبویسلی کہ اگر ان کو اس طرح کے سمٹمز پیدا ہوں, ان سمٹمز کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیوں کیا, بخار, کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف, کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اگر یہ سمٹمز کسی بزرگ شخص کو ڈیولپ ہو گئے اور وہ پہلے سے ان کو کوئی اور بھی بیماری ہے, یعنی کہ ان کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں, تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ان کو کہیں کرونا وائرس نہ ہو گیا. تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ ان کو آئسولیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے یا 1166 پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اب چونکہ ٹیلی میڈیسن بھی کافی پاپولر ہو رہی ہے, تو اگر ٹیلی میڈیسن کی سہولت موجود ہو تو آپ کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز کے ساتھ.
तो उसके बाद जी ये बहुत जरूरी है कि जो भी लोग घरों में ऐसे बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हों कि जिनको जिनके अंदर ये सिम्टम्स आ जाएं, तो उनका अपना मास्क पहनना और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि उस शख्स का बुजुर्ग का भी मास्क पहनना बहुत जरूरी। अच्छा जी, अब ये कि उसके बाद क्या करना चाहिए। अगर तो डॉक्टर समझता है कि उनके उनके टेस्ट की जरूरत है तो फिर टेस्ट होना चाहिए। अगर डॉक्टर के मशवरे के बाद ये समझा जाए कि इनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि इनको घर में रखा जाए, तो उनको फिर हॉस्पिटल ले जाने का सोचना चाहिए। अगर हॉस्पिटल लेकर जाना है तो उसके लिए एम्बुलेंस बेहतर है या को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए। और जब उनका उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए तो वहां पे भी अगर उनको दाखिले की जरूरत है तो दाखिल किया जाए। अगर उनका जब COVID-19 का टेस्ट अगर करने की जरूरत समझी जाए तो उनका टेस्ट होना चाहिए। और जब उसका रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद जाहिर है कि जो COVID-19 के लिए कोरोना वायरस के लिए जो मखसूस इंतजाम हैं अस्पतालों के अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये बहुत जरूरी है कि हम नफ्सियाती तौर पे अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करें। वैसे तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कल्चर इतना जो है वो अच्छा है कि जिसमें घरों के अंदर बुजुर्गों की बुजुर्गों से बड़ी उनकी इज्जत भी होती है, वो घर के बड़े होते हैं, उनको उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो आमतौर पर तो ये चीजें होती ही है। लेकिन अगर बीमारी है और खास तौर पे कोरोना वायरस का शक है या हो गई है, तो फिर तो बहुत ज्यादा उनको नफ्सियाती सपोर्ट की जरूरत है या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए भी मखसूस इंतजामात भी हैं कि जिसके जरिए आप टेलीफोन कर सकते हैं, हेल्पलाइंस हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसके ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलहदा से किसी दिन आपको बताऊंगा कि जनरली मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए, लेकिन खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मुअम्मर लोग हैं घरों के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी उनको नफ्सियाती तौर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। और हम सब लोगों को बेसिक स्किल्स पता होनी चाहिए कि हमने मेंटल सपोर्ट कैसे करनी है अपने बुजुर्गों की। तो अब मैं अपनी बात समेटूंगा ये कहते हुए अगेन कि 5 एरियाज हैं कि जहां पे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। सबका मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस रखना या सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथों की सफाई, धोना, आपने बुजुर्गों का खासतौर पे उनको बचाना और उनका ख्याल रखना, और उसकी तफसील मैंने आपको काफी बताई। और दूसरे ये कि जो पहले से बीमार लोग हैं, दूसरी बीमारियों का शिकार है, उनको हमने कैसे खासतौर पे उनकी निगहदाश्त करनी है इस जमाने में कि जब हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी काफी तेजी से फैली हुई है। अपना और अपने बुजुर्गों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही खुद को कोरोना वबा से बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस के दौरान बुजुर्ग अफराद का खास ख्याल रखना है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है, इसलिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। एक दूसरे से कम अज कम 6 फीट का फासला इख्तियार करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग, और इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरहजूम जगहों पर जाने से इज्तनाब किया जाए, गले मिलना, हाथ मिलाना और सामाजिक दूरी लाजमी करार दी गई है। इस हवाले से उन्होंने मजीद बात कर कहा कि कोरोना वायरस के दौरान बुजुर्ग अफराद का खास ख्याल रखना चाहिए।